लेकिन भाई उस वक्त कुछ टॉप वॉप पे नहीं था बंटा है भाई, तुम्हें अपने दिमाग से बात निकाल दो भाई, उस वक्त रिप्लाई देना ज़रूरी था क्योंकि दो भाइयों के बीच में लड़ाई थी। सो वॉट इज़ अप गाइज, वेलकम बैक टू अनट्रैक्स। भाई फाइनली लाइक जैसे मुझे सही में उम्मीद नहीं थी कि गाना आ जाएगा, लेकिन भाई मैंने कहा कि यार 12 बज रहे थे, मैं कॉलेज में था, मैं कहा भाई ऐसे ही एक बार रैंडमली चेक कर लेते हैं, गाना 1 घंटे पहले आ रखा था। एंड आई वॉज शॉक्ड भाई, तो मैंने उसी वक्त अपने कम्युनिटी पोस्ट डाल दी थी कि भाई गाना कम से कम तुम तो बता दो तुम्हें कैसा लगा, क्योंकि मैं तो घर आऊँगा जब, देखो भाई वापस से जूते देख लो भाई अभी तक नहीं उतारे, भाई घर आते ही बैठ गया हूँ रिएक्शन बनाने। मैं कहा कम से कम भाई तुम्हारे रिव्यूज़ ही ले लेता हूँ कि तुम्हें कैसा लगा गाना, बहुतों के मतलब मिक्सड ओपिनियंस है, तो मैं कहा भाई फाइनली मैं रिएक्ट करता हूँ कैसा देखते हैं भाई। आई एम रियली एक्साइट भाई, पहले मैं बताता हूँ मुझे किस चीज़ का रिप्लाई चाहिए, काउंटर रिप्लाई चाहिए। वो जो वाली बात थी ना कि क्या कहते हैं कि तुम्हारे बंदे का मेरे को कॉल आया था कि जी पे के टाइम पे कि तूने कर दिया भाई, लाइक मुझे उसका रिप्लाई चाहिए। बाकी की बातें तो मुझे याद नहीं बाकी की कि क्या रिप्लाई आ सकता है, लेकिन डैम भाई मुझे उसका रिप्लाई चाहिए, तो देखते हैं भाई कैसा रहता है। तो विदाउट वेस्टिंग फॉर द टाइम आ जाओ भाई गाने पे रिएक्ट करते हैं। भाई क्या ट्यून है भाई ये, डैम भाई रुक जाओ भाई, ब्लूइश ने तो नहीं इसके बीट ले ली उन्होंने भाई ब्लूइश की, क्योंकि वो नहीं दिख रहा भाई, नहीं गोरे ओशन है, ना 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 ना। कैसा तेरे पास नहीं स्टूडियो, तभी दिया रफ्तार ने जगा, तू सितारा तो चमका क्यों नहीं, क्यों दिया तुझे कलमकार ने भगा। रुको रुको रुको, क्या ये सच, तेरे पास नहीं स्टूडियो तभी दिया तुझे रफ्तार ने जगा। टाइम भाई स्टूडियो की बात कहां से आ गई, तभी दिया रफ्तार ने जगा, तू सितारा तो चमका क्यों नहीं। डैम भाई लेकिन तुम एक बात देखो, कर्मा ने जिस तरीके से स्टार्ट की थी, जो राइम स्कीम पकड़ी थी कि थैंक गॉड बंटा है गॉड अ स्टूडियो, डैम भाई उसी राइम स्कीम पे पकड़ के मतलब बात को बात का काउंटर रिप्लाई किया, डैम भाई दैट इज़ अ रियली मतलब उसको पकड़ के चलने वाली स्टार्ट है भाई, और इतने कम टाइम में ऐसे करना भाई थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और ओ माई गॉड भाई जा रिप्लाई, अगर तू सितारा तो चमका क्यों नहीं, डैम भाई क्यों दिया तुझे कलमकार ने भगा। हम खाते पीते घर से बोए, मैं भैया के घर नहीं पला, पूरा डीएचएस फैक्ट्री जानता, पूरा परिवार बंटाई के नाम से चला। हां इसको बोलते हैं क्या पला, पूरा डीएचएस फैक्ट्री जानता, पूरा परिवार बंटाई के नाम से चला, पूरा डीएचएस फैक्ट्री जानता कि बंटाई के नाम से परिवार पूरा कलमकार चल रहा है। ना भाई ना भाई ये ना, मैं तो नहीं मानता भाई, मैं भैया के घर नहीं पला, पूरा डीएचएस फैक्ट्री जानता, पूरा परिवार बंटाई के नाम से चला। हाँ इसको बोलते असल बीफ, इसको बोलते असल गला, क्या बचका ने ऐसा बचते इधर ड्रिल पे भेजे पे नहीं, अब दूंगा मैं दिल पे, पलटेगी कार नहीं पलटेगा बार, कभी भी आ जाना बाबा तो स्किल्स पे। ओ पलटेगी कार नहीं पलटेगा बार, पलटेगा बार मतलब बार्स का काउंटर रिप्लाई होगा। ओ डैम भाई दैट्स रियली गुड, और स्किल्स के लिए तो कभी भी आ जा, मिलेगा तू ये तेरी भूल है, पैरों के नीचे तू पैरों का धूल है, शेडी की राइम्स की मेरे को सिखाएगा, हाँ मेरे हुड में हिप हॉप का स्कूल है। पहली बात तो भाई तू पैरों में धूल है, वो जो कारपेट का वो जो उसका रिप्लाई दे दिया, और दूसरी बात की भाई तू शेडी की राइम स्कीम जो तुमने देखा होगा ना, लिल होज वो टेक माय टेक सम इंच ब्रो कुछ ऐसी करके राइम स्कीम थी, तो वैसे वो शेडी के राइम स्कीम उसको बोला जा रहा है जो कर्मा के बारे में थी, तू मेरे झोपड़पट्टी में आ या फिर तू मेरे हुड में आ, तेरे को हिप हॉप का स्कूल दिखाता हूँ। दैट्स माइंड ब्लोइंग ब्रो, के नीचे दो पैरों का धूल है, शेडी की राइम्स की मेरे को सिखाएगा, हाँ मेरे हुड में हिप हॉप का स्कूल है, पहाड़ी कुत्ता नहीं सकता दहाड़ बे, झोपड़पट्टी नहीं तू है पहाड़ से, झोपड़पट्टी का लड़का जो ले, पहाड़ी कुत्ता बोल दिया भाई, पहाड़ी कुत्ता नहीं सकता दहाड़ बे, झोपड़पट्टी नहीं तू है पहाड़ से, झोपड़पट्टी का लड़का जो लेने पे आया तो संन्यास ले लेगा पहाड़ पे अपन। क्या रिप्लाई है, तू पहाड़ से, तू झोपड़पट्टी से नहीं है, तू है पहाड़ से, अगर झोपड़पट्टी का लड़का लेने आएगा तो सन्यास ही ले लेगा पहाड़ पे। ओ माय गॉड दिस इज अ रिप्लाई, तू है पहाड़ से, झोपड़पट्टी का लड़का जो लेने पे आया तो सन्यास ले लेगा पहाड़ पे अपन, है शेर है प्यासे है खून के, घुसेंगे धुन पे मारेंगे धुन के। ओ घुसेंगे धुन में, पहली बात तो घुसेंगे धुन में इज लाइक कि बीट्स पे घुस के तेरे को मारेंगे,
कि मतलब ऐसे वर्बल अटैक होगा और घुसे की धुन में देहरादून में इस भाई ये देखो वर्ड प्ले किया गया डैम भाई। मुझे चलते दिखेगा रेड कारपेट पे मेहनत की कमाई तभी भार पेट ये तू स्टार नहीं तू चौकीदार है तुझ जैसे 10 मेरे बिल्डिंग के बाहर बैठे। ओ माय गॉड मेहनत की कमाई है तभी भार पेट ये और तू चौकीदार है। तुम्हें पता नहीं कौन से गाने में बोलता कर्मा ने कि मैं चौकीदार तुम्हें एटीएम का गार्ड था। ओ भाई तेरे थे 10 चौकीदार मेरे बिल्डिंग के बाहर घूमते हैं डैम भाई अब इनको ये या ओ शिट मेहनत की कमाई तभी भार पेट ये तू स्टार नहीं तू चौकीदार है तुझ जैसे 10 मेरे बिल्डिंग के बाहर बैठे। सब्सिडी हम कर सकते पार पे सब्सिडी नहीं चाहिए आधार पे सब्सिडी हम कर सकते पार ये इज टॉकिंग अबाउट सिटी और सब्सिडी नहीं चाहिए आधार मेरे बिल्डिंग के बाहर बैठे। सब्सिडी हम कर सकते पार पे सब्सिडी नहीं चाहिए आधार पे बंटी नहीं बचकाने बंटा है बुला फिर तू भी ले सकता है कार बे चार फेक अकाउंट बना के ट्विटर पे। ओ मतलब पूरा पूरा मतलब इधर इज्जत बताई जा रही है बंटा है बंटी नहीं बंटा है बोल डैम भाई बंटी नहीं बचकाने बंटा है बुला फिर तू भी ले सकता है कार बे चार फेक अकाउंट बना के ट्विटर पे हकले को लग रहा हाइप है। ओ कि जो ट्विटर पे तेरे चार फेक अकाउंट है वो तूने ही बनाया और तेरे को लग रहा है कि वो हाइप है और हकला बोल दिया भाई शिट यार हकला क्यों बोल दिया ऐसे नहीं भाई तू भी ले सकता है कार बे चार फेक अकाउंट बना के ट्विटर पे हकले को लग रहा हाइप है कम बक तू है डम फक बस इतने से फेम के तू लायक है तू लेबल का फेंका हुआ कचरा हाउ यू फीलिंग लिविंग इन अ डंपस्टर सामने से आया तू कैसे मैं जाने दूं अब पे लेगा तुझे ये यंगस्टर बबली का ले रहा ओ ओह माय गॉड यार यंग गालिब क्या हो गया भाई भाई तू लेबल का फेंका हुआ कचरा तू ओह माय गॉड ये बातें कैसे घुमा लेते हैं भाई ये भाई हम रियली ओह माय गॉड भाई क्या टैलेंट है। और यंगस्टर और यंगस्टर वाली तुमने वर्ड प्ले देखा लाइक उसने बोला यंगस्टर और लिखा यंगस्टर हुआ हुआ था मजा में फ्री फ्री बबली को देरी मजा है फ्री फ्री मालूम ना रेडिस का क्या है फ्री फ्री राखी के घर में बल्ला ये फ्री फ्री बबली को देरी मजा है अभी तो पिक्चर बाकी है बबली तेरी लेने के लिए तैयार था जैसा आई एम ऑन अ बीक मोड कोलेस्ट्रॉल खत्म छोले स्टॉल वाले अब बैठो और डेस्ट हो ओ कोलेस्ट्रॉल खत्म अब छोले स्टॉल वाले जो छोले छोलों का स्टॉल होता है बैठ के वहां पे डिश धो ओ डिश धो या फिर डिश ओ डिस और उसका वर्ड प्ले किया गया डैम जैसा मैं और यीस्ट मोड का बीफ मोड मोड कोलेस्ट्रॉल खत्म छोले स्टॉल वाले अब बैठो और डिश धो तेरे भैया से मिली है सीख ब्रो आगे बढ़ने का यही है चीट कोड एक नंबर अंग्रेजी तेरी रो कभी पुरस्कार देता हूं देखो ले खुदा का खौफ है सीने में बम्बैया जिगर तो दुनिया का डर क्यों भिड़ने पे आती तो जानती जनता हिप हॉप में लग जाता कर्फ्यू घोरे जो अपने को गायब कर डाले ना गलती से आना नजर तू कूलर की जरूरत नहीं घर पे दो एसी मैं जब चाहू मौसम बदल तेरे भैया को बोल से आ ओ भाई भैया हर चीज का काउंटर रिप्लाई करने को तो नहीं बोला था भाई डैम भाई हर एक चीज का काउंटर रिप्लाई और इतने कम टाइम में कितना 21 घंटे में भाई मेरे पे वर्ड्स नहीं है भाई आई एम रनिंग आउट ऑफ वर्ड्स भाई। और लोग मेरे कमेंट में ये क्यों लिख रहे हैं कि भाई पहले वाला डिस अच्छा था तुम्हें यहाँ तो गाना समझ नहीं आया मतलब इतना भी कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है नहीं 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 यहाँ तो भाई मैं ही पागल हो रहा हूँ भाई डैम भाई तो जानती जनता हिप हॉप में लग जाता कर्फ्यू घोरे जो अपने को गायब कर डाले ना गलती से आना नजर तू कूलर की जरूरत नहीं घर पे दो एसी मैं जब चाहूँ मौसम बदल तेरे भैया को बोल के थैंक यू बोल भाई कूलर और एसी की क्या लड़ाई है भाई तू कूलर की जरूरत नहीं घर पे दो एसी मैं जब चाहूँ मौसम बदल तेरे भैया को बोल के थैंक यू बोले शिक्षित से आया हिप हॉप में समझ में आया जब भैया ने डिस किया क्योंकि पहले से बंटाई है टॉप पे यू गॉट। अरे यार मैं तुम्हें एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कुछ ऐसा टॉप वॉप पे नहीं था उस वक्त भाइयों की लड़ाई थी दो और क्लियर करना बहुत ज़रूरी था क्योंकि बहुत
उस वक्त यार नई नई चीज़ जब आ रही थी ना तो टॉक्सिसिटी बहुत फैल रही थी, अब तो जैसे बहुत कॉमन हो गया ना। उस वक्त बस नई नई चीज़ आ रही थी तो रफ्तार ने सोचा मैं रिप्लाई करूँगा। ये बात सही है कि भाई उस टाइम पे भाई कि बंटाई की वजह से रफ्तार हिप हॉप में वापस आई, ये बात सही है ठीक है। और ये शायद मेरे हिसाब से रफ्तार भी बोलता है कि उस टाइम पे जब इनका बीच में शॉर्ट नहीं हो गया था, जब इन्होंने इंस्टाग्राम पे एक दूसरे को रिप्लाई दिया, तो शायद मेरे हिसाब से उन्होंने भी वो किया था कि मैं पहले से था लेकिन हाँ तेरी वजह से मैं आया था, मैं पहले से लेकिन अंडरग्राउंड। रफ्तार ने उस चीज़ का रिप्लाई भी दिया था अपने अगले डिस में, लेकिन भाई उस वक्त कुछ टॉप वॉप पे नहीं था बंटा है। भाई तुम्हें अपने दिमाग से बात निकाल दो भाई, उस वक्त रिप्लाई देना ज़रूरी था क्योंकि दो भाइयों के बीच में लड़ाई थी, क्योंकि रफ्तार उसको पकड़ पकड़ के बंटाई को स्टेज पे रखा था कि मैं इसका ये कर दूंगा वो कर दूंगा, एज अ ब्रदर किया था, इसलिए रिप्लाई देना ज़रूरी था। तो तुम अपने हमेशा काउंटर रिप्लाई में ये मत बोला करो कि भाई बंटाई टॉप पे था इसलिए डिस किया। भाई उस वक्त कोई ऐसा ऑप्शन नहीं था कि फेमस होने चलो इसको डिस कर देता हूँ उसको डिस कर देता हूँ, तो भाइयों के बीच में लड़ाई थी इसलिए डिस वॉर हुई थी। ये काउंटर रिप्लाई मेरे को ना जब भी मेरा दिमाग ख़राब कर देता है, क्योंकि भाई दैट इज़ आई थिंक कि ये दिमाग नहीं लगाते इस चीज़ को बोलने में। अरे भाई गाना अच्छा है नो डाउट, लेकिन भाई जो जो फैक्ट है वो तो फैक्ट है भाई। इसे आया हिप हॉप में समझ में आया जब भैया ने डिस किया, क्योंकि पहले से बंटाई है टॉप पे। यू गॉट डेविल्स बैक, मेरे पे खुदा का हाथ है, ढस नहीं पाए जो आए ले साफ, जो साथ वाले साथ रह के करे ले घात, उनका ऊपर ही होगा हिसाब बे। ओ मैंने बोला था ना कि मुझे उसका रिप्लाई चाहिए कि भाई कौन सा आप है कि तुम्हारे क्रू वाले बंदे ने बोला था, कह रहे थे कि जो हमारे साथ बैठ के जो हमको ढस रहे हैं सांप है उसका उनका ऊपर ही होगा हिसाब बे, हम कुछ नहीं कर सकते। डैम भाई नहीं पाए जो आए ले सांप, जो साथ वाले साथ रह के करे ले घात, उनका ऊपर ही। हाँ वो जो यूजरो वाला था कि आई गॉट डेविल्स बैक, मैंने तुम्हें पिछले उसमें रेफरेंस दे दिया था। और डैम भाई कि मेरा खुदा का हाथ है, यार ये कैसे बातें पलट जाते हैं भाई। पहले मतलब एनिमे रेफरेंसेस चल रहा था, लेकिन जब डेविल वाली बात हुई तो ये खुदा का हाथ है। रियली अप्रिशिएट भाई कि तुम कैसे काउंटर रिप्लाई करते हो ना कुछ बातें छोड़कर, लाइक आई एम रियली अ फैन ऑफ योर राइटिंग स्किल भाई। होगा हिसाब बे, मेरा हुड बाबा पहले से कौन था, विजन है लॉन्ग टर्म, बस आने रॉन्ग टर्न, पता ना कौन है, एनिमीज बहुत है, मेरे एनिमीज बहुत है, मिलेंगा भिड़ेंगा मेरे से तो जगह पे मौत है। देखो मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, बहुत प्यारा फ्लो बहुत खींच के, लेकिन इसको ना ब्रूटल दिखाने के लिए ना एक टेक में नहीं लिया गया। मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, तुम समझ गए होगे, बहुत ब्रूटल दिखाने के लिए ना एक टेक में है नहीं। और मेरे को एक ऐसे बार पता लगा इसमें से कि तेरे एनिमीज़ बहुत है लेकिन जो मेरे एनिमीज़ है वो बॉट है, मतलब तुम्हारे साइड के तुम्हारे फैंस नहीं है वो बॉट है। जैसे मैं कर्मा का फ़ैन हूँ तो मैं बॉट हूँ, मतलब उनका कहना तो यही है। चलो ये तो एक तो इतनी बेकार काउंटर रिप्लाई है, लेकिन भाई फ्लो को ब्रूटल दिखाने के लिए एक टेक में नहीं लिया गया, तुम खुद नोटिस। साथ वाले साथ रह के करे ले घात, उनका ऊपर ही होगा हिसाब बे। मेरा हुड बाबा पहले से कौन था, विजन है लॉन्ग टर्म, बस आने रॉन्ग टर्न, पता ना कौन है, एनिमीज बहुत है, मेरे एनिमीज बहुत है, मिलेंगा भिड़ेंगा मेरे से तो जगह पे मौत है। लाइन हो गई ये क्रॉस, ये जोश में कभी नहीं पहुंचेगा शाहरुख के पोच में, ये विवेक का करियर ये सलमान ही खाएगा, अकेला तेरे लिए बहुत मैं। देखो ओ माय गॉड, ओह माय गॉड भाई, मैंने जैसे ही सोचा था गाना ख़त्म होने वाला है, शिट भाई शाहरुख है साथ में, ओह माय गॉड। लाइक मेरे को पता नहीं यंग गालिब का नाम सलमान है, लेकिन डैम भाई शाहरुख है साथ में, इज़ रेफरिंग टू एमी वे बंटाए, सलमान और विवेक अरोड़ा कर्मा का नाम है, ओह माय गॉड भाई तालियां। डैम शाहरुख के पोच में, ये विवेक का करियर ये सलमान ही खाएगा, अकेला तेरे लिए बहुत मैं। देखो मालूम नहीं क्या मेरे अंदर की खूबी, मैं सीन में कीमती जैसे मैं रूबी, आई वांट टू स्मोक, मैं फूकता नहीं डूबी, मैं फूकने पे आया तो जलेगा तू भी, वीडियो में आंखें लाल लग रही, काउंटर नहीं दे रहा क्या गांड फट रही, लौड़ा लसन वाली बात किया इस। ओ अच्छा, देखो देखो मैं वो बात बताना भूल गया था, लेकिन अगर तुम उस गाने में कर्मा की आंखें देखोगे ना, इट वॉज लाइक की मतलब बहुत कि सोया नहीं है काफ़ी टाइम से, लाइक ऑब्वियसली एक दिन में रिप्लाई लिखना है और अच्छा लिखना है तो पूरी मेहनत कर रहे हैं, तो तुम आंखें पे गौर करना। जब मैंने गाना दूसरी तीसरी बार भी सुना था ना तो मैं उसकी आंखों पे फोकस कर रहा था, तो इट वाज लाइक ऐसे मतलब खुल नहीं रही थी, तो इस सेइंग कि भाई कि आंखें तेरी लाल लग रही हैं मतलब, और फिर काउंटर नहीं दे रहा क्या डैश फट रही। डैम वीडियो में आंखें लाल लग रही, काउंटर नहीं दे रहा क्या गांड फट रही, लौड़ा लसन वाली बात किया, इससे पता चला यहाँ पे कौन छप रही, चिल्लर उठा गया है रिप्लाई की तरह करियर बना दूं ऐसे अच्छे लगते हैं, लेकिन भाई तुम्हें भी
एग्जामिन तो करना पड़ेगा कि मतलब तुम्हें भी ये बात तो माननी पड़ेगी, लेकिन ऐसा किसी का कोई करियर वरियर ऐसे बना देंगे नहीं होता। ऑब्वियसली करियर तो पहले ही बन रखा है, लेकिन भाई बहुत प्यारा गाना भाई। अभी अमन तेरी लेंगे हम, क्यों जा रहा मैदान छोड़ के नई गांड में दम, अभी तो जस्ट शुरू है जंग, ये बीफ नहीं एक तरफा, सो आई एम नॉट डन बिच। कैसा गर्म आए वे जो तू वापस नहीं आएगा, और अगली बार आएगा तो काउंटर लेके आना, समझा गया पब्ले। ओ देखो भाई, मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड था जब कर्मा ने अपना गाना एंड किया था ना उसके, कि आई एम डन, तो आई वॉज लाइक कि भाई मन में ही मेरे यही चल रहा था कि भाई यंग गालिब को ऐसा कुछ लाना पड़ेगा कि भाई जिससे वापस आए, एंड ही सेइंग कि भाई तू फटरी है क्या तेरी, तू मैदान छोड़ के क्यों जा रहा है, मैं तो लड़ने के लिए तैयार हूँ। एंड भाई दैट मेरे को, मैं सही बता रहा हूँ कि लेवल का मुकाबला है ना, देखने में मज़ा आता है, तो इसलिए कह रहा हूँ कि मैं यार प्लीज़ कर्मा भाई आई नीड कि कल तक रिप्लाई आ जाना चाहिए प्लीज़ भाई, क्योंकि ये टक्कर को मुकाबला ना लोगों को जैसे सिर्फ कृष्णा और मूफाड़ के टाइम पे देखने को मिला था। और भाई मैं कह रहा हूँ प्लीज़ भाई ये मैदान छोड़ के जाने वाली बात मत करना प्लीज़ भाई। और भाई कैसे, मतलब लाइक ही इज़ मेकिंग हिम टू लाइक कम बैक भाई, कि तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, कि कैसा कर्मा है कि भाई कि वापस नहीं आएगा, लाइक भाई वो डर ही नहीं रहा यंग गालिब कि भाई लाइक तुम समझ नहीं रहे भाई कैसे बुला रहा है भाई कि मैदान छोड़ के मत जा भाई। डैम आई एम रियली इम्प्रेस भाई, तुम बताना गाना कैसा लगा भाई, लाइक तुम्हारे वोटिंग से तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे को एवरेज ही लगा, बहुत ही कुछ लोग थे जिनको अच्छा लगा, और बहुतों को लग रहा है कि भाई पहले वाला डिस लाइक अच्छा है, लेकिन भाई मेरे को तो लाइक ये टॉप पर है, मैं अगर रैंकिंग की बात करें तो ये टॉप पर लग रहा है मेरे को भाई, बहुत प्यारा गाना लाइक भाई 21 घंटे में रिप्लाई दे दिया तो यार ये और क्या ही चाहोगे भाई, लाइक पूरी वीडियो भी अपने कमरे में शूट कर रखी है। बाकी तो दो तीन चीज़ें मेरे को बहुत बेकार लगती है, मैंने क्लियर कर दी बीच में बोल के, बाकी तुम बताना मेरा रिएक्शन कैसा लगा। वी आर रियली क्लोज टू 1500 सब्सक्राइबर्स, सब्सक्राइब का बटन दबा देना भाई, बेल आइकन भी दबा देना, बाकी मिलते हैं अगले रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।